हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुंजन्स बगीचा। और मैं हूँ गुंजन, आपकी गार्डनर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि पौधों की कटिंग कैसे लगाएं। हम फ्री में बहुत सारे प्लांट्स कटिंग के थ्रू बना सकते हैं। अब मानसून सीजन आ गया है, रेन हो रही है हर जगह, तो हम कटिंग से बहुत सारे पौधे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्री में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और ये कटिंग हमें कहीं भी मिल सकती है, जैसे पार्क में, या आप बाहर जाते हैं कहीं आपको बाहर मिल जाए तो वो वहां से हम लाके उन कटिंग को लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लगाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, ये मैं बहुत सारी कटिंग्स लेकर आई हूँ, कुछ प्लांट्स की कटिंग है। ये मैं हमारे पार्क में कटिंग हो रही थी तो मैं ये कटिंग्स ले आई हूँ वहां से। तो ये देखिए, इसमें कुछ कनेर की हैं, कुछ जट्रोफा की हैं, कुछ चांदनी की हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। और मैंने देखिए इसे क्या करा था, लाते के साथ ही इसे देखो पानी में डिप करके रख लिया था, जिससे कि ये इस तरीके से इनमें मॉइस्चर बना रहे। ये आप जरूर करें कि इन्हें पानी में डिप करके रख ले, जिससे कि इनमें मॉइस्चर बना रहे। जब आपको लगानी है तब आप लगा लें। ये मैं आज मॉर्निंग में लेके आई थी और मैं इन्हें अब लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको कटिंग लेनी है वो एक पेंसिल की थिकनेस की मोटाई की लेनी है। इसकी मोटाई ना तो ज़्यादा पतली हो, जैसे कि बिल्कुल ग्रीन होती है, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा मोटी हो। जैसे मैंने लिए, आप इसी मोटाई की लेना, थोड़ी सेमी हार्डवुड टाइप की कटिंग लेना। और इसके हम क्या करेंगे, पहले 6 से 7 इंच लंबे टुकड़े कर लेंगे इसके। तो इसके कर लेते हैं टुकड़े। और देखिए, इसमें नोड्स होते हैं, ये देखिए इस तरीके आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें नोड्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको नोड के नीचे से, क्योंकि जो जड़ें निकलती हैं वो हमेशा नोड में से निकलती है, यहाँ से जड़ें निकलेंगी आपकी। तो इस कोशिश करें कि हमेशा नोड के नीचे से इसे कट करें। तो मैं टुकड़े करती हूँ इसके, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके 3 टुकड़े कर लिए इस तरीके से। और अब मैं इसको क्या करूंगी, 45 डिग्री एंगल पे, एक एंगल पे से हम कट कर देंगे, यहाँ से 45 डिग्री। इसमें क्या होता है, यहाँ पे रूटिंग हार्मोन निकलता है। अब जो इनका नेचुरल रूटिंग हार्मोन निकलता है प्लांट्स का, इसकी जो स्टेम का रूटिंग हार्मोन निकलेगा वो इन्हीं नोड में से निकलेगा। तो बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है और इस जो इनकी जड़ें होती हैं बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको 45 डिग्री एंगल पे कट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कौन सा निचला सिरा है और कौन सा ऊपरी सिरा है, क्योंकि जब हम जड़े लगाएंगे, जो हम स्टेम लगाएंगे, तो ये जो जड़े निकलेंगी वो नीचे से ही निकलेंगी। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा इसका सिरा नीचा है और कौन सा ऊपरी सिरा है। तो हम नीचे के सिरे पे इसमें 45 डिग्री एंगल का कट लगा लेते हैं। जो आप नाइफ लें वो साफ लें, या तो उसे आप अल्कोहल में, या सैनिटाइजर, आजकल तो सैनिटाइजर अच्छी तरह से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो उसमें इसको जो है सैनिटाइज कर लें एक बार, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन हो इसमें या कोई भी फंगस वगैरह हो जो दूसरे प्लांट से आई हो वो इसमें ना लगे। तो ये देखिए, शार्प नाइफ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे 45 डिग्री का एंगल लगा दिया। अब इसमें भी लगा लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पर इन्हें कट कर लिया है और पीछे से हम इन्हें स्क्रैच कर देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे जड़े निकलने में आसानी हो। ये देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसे अगर रेत में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से जड़े डेवलप होंगी, बहुत अच्छे से जड़े बनती हैं। ये मैंने रेत लिया हुआ है और इस रेत में थोड़ी थोड़ी बजरी भी मिक्स है, वो इस रेत में ही है, हमने अलग से मिक्स नहीं करी है। तो ये थोड़ा मोटा रेत है, मोटी रेत हो तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल बारीक ना हो। तो ये नदी की रेत होती है, नदी की रेत में सॉल्ट नहीं होता है तो वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
ये देखिए इस तरह की रेत होती है, ये ग्रे कलर की होती है थोड़ी सी, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये देखिए ये मेरे पास रूटिंग हार्मोन है, रूटविन नाम से है ये रूटिंग हार्मोन, तो मैं ये रूटिंग हार्मोन यूज करती हूँ। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो हम दालचीनी पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिए दालचीनी का पाउडर है, तो ये दालचीनी पाउडर लगाकर भी हम इसको जो है हम यहाँ पर लगाएंगे, इस जगह लगाएंगे, तो इससे रूट निकलने में आसानी रहती है। मैं दो कटिंग तो अपनी रूटिंग हार्मोन से लगा रही हूँ और दो कटिंग अपनी दालचीनी पाउडर से लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा गीला कर लीजिए, इसके किनारे थोड़े पानी से गीले कर लीजिए। ये देखिए ये मेरी वाटर कैन है, इस ये भी मैंने खुद बनाई है, और ये 5 लीटर की नॉर्मल कैन थी। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे होल्स करके, ये इसमें होल्स करे हैं, यहाँ पे होल्स करे हैं, और एयर निकालने के लिए, एयर पास करने के लिए यहाँ पे होल्स करे हैं। तो ये बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं आप भी। तो इसमें मैं इसी पानी इसी से देना है आपको, जब भी पानी देना है या तो आप मार्केट से जो इसकी शॉवर कैन होती है तो या तो उससे दीजिए, नहीं तो ऐसे घर पे बना लीजिए। फिर आप ऐसे फिंगर से या किसी चीज से इसमें होल्स कर लीजिए, करीब 1 से 2 इंच गहरे होने चाहिए, और ये इस तरीके से लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद अच्छे से दबा देना है रेत में, जिससे कि एयर बबल्स ना रहे। दो हम ये रूटिंग हार्मोन से लगा लेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिए कि या तो इसमें जो पत्ते हैं वो ना हो बिल्कुल भी, पत्ते 1-2 हों या ना हो बिल्कुल भी। अगर पत्ते ज्यादा हैं तो उन्हें आप कट कर दीजिए, जैसे कि मैं इस कटिंग में आपको लगाकर दिखाऊंगी, कनेर की कटिंग है, इसमें लगा के दिखाऊंगी। इसमें पत्ते हैं तो मैं इसके पत्ते सारे निकाल दूंगी, और पत्ते निकाल करके इस जो इसमें 1-2 पत्ते छोड़ूंगी। वो 1-2 पत्ते क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं। जैसे इसमें 1-2 पत्ते हैं, ये इसको इसके लिए, ये इस प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करेंगे। लेकिन ज्यादा पत्ते क्यों नहीं रखने, क्योंकि इससे मॉइस्चर उड़ जाता है, तो सारा मॉइस्चर प्लांट का जो जिस स्टेम में है वो सारा अगर इससे पत्तों से उड़ जाएगा तो ये सूख जाएगी सारी हमारी। ये देखिए इन पत्तों को मैं हाफ हाफ करके काट देती हूँ, इन पत्तों को भी मैं हाफ करके काट देती हूँ, जो बड़े पत्ते हैं। छोटी लीव्स में ऐसे ही रहने देती हूँ, ये छोटी लीव्स ऐसी रहेंगी और बड़ी लीव्स को मैंने हाफ हाफ करके काट दिया। तो ये प्लांट्स का फूड बनाने का काम करेंगी प्लांट्स के लिए। और इसमें एक बार फिर से हम अच्छे से पानी दे देते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स पानी तभी देना है जब रेत बिल्कुल सूख जाए, और पानी स्प्रे बॉटल से ही देना है धीरे धीरे, नहीं तो क्या होगा ओवर वाटरिंग से ये सारी कटिंग्स गल जाएंगी। तो आपको सभी कटिंग्स के साथ ऐसे ही करना है। अब इसे हम 10 से 12 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें 10 से 12 दिन में इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे, और फिर हम इसे निकाल के नहीं देखेंगे, इसे टच नहीं करना है जब तक इसमें अच्छे से लीव्स ना निकल जाए। तभी हमें ये श्योर करना है कि इसमें जड़ बन गई होंगी, तभी इसे इसमें से निकाल लेंगे, जड़ सहित निकाल लेंगे आराम से, और कहीं दूसरी जगह रीप्लांट कर देंगे। ये देखिए ये हमने नीचे से सारे पत्ते निकाल दिए, इसके इस तरीके से नीचे से पत्ते निकाल देने हैं, बस ऊपर की तरफ कुछ पत्ते छोड़ने हैं इसके। तो मैं ये नीचे से सारे पत्ते निकाल दूंगी, जटरोफा की कटिंग है, और इसमें देखिए इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर निकलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर से कुछ पत्ते छोड़ दूंगी इसके, और देखिए ये जो फ्लावरिंग एरिया है इसका, जहाँ से फूल निकल रहे हैं, उसे हमें काटना पड़ेगा। उसे क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्लांट की सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है, तो प्लांट इसको ही डेवलप करने में लग जाएगा, जबकि हमें इसकी रूट डेवलप करनी है। तो हम क्या करेंगे, और फिर क्या होगा कि कटिंग सूख जाएगी, हम ये ऊपर से इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये ड्रेसिना महात्मा की कटिंग है, इसकी लीव्स भी बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए इस तरह की लीव्स होती है इसकी,
और ये रेड हो जाती है। और ये देखिए इसके भी मैंने नीचे से लीव्स निकाल दी हैं और सिर्फ इसे इस स्टेम को ही रखा है। इसको मैं एज इट इज लगा दूंगी, थोड़ी लंबी कटिंग है पर कोई बात नहीं, ये चल जाएगी। ये देखिए कनेर की कटिंग है, कनेर की कटिंग का भी मैंने यही सेम किया है। इसमें भी मैंने नीचे से सारी लीव्स निकाल दी हैं, मैंने सारी कटिंग्स लगा ली हैं और अब फाइनली मैं इनमें अच्छे तरीके से पानी दे रही हूँ। तो पानी इसमें अच्छे तरीके से देना है, इस तरीके से देना है कि नीचे नीचे तक पानी पहुंच जाए या तो पॉट से बाहर निकल जाए। अगर पॉट से बाहर नहीं निकलता है तो एटलीस्ट नीचे तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स ये हमने देखी, मैंने बहुत सारी कटिंग लगा ली है। तो इसमें कुछ कटिंग्स ये मोर पंखी की हैं जिसे साइप्रस भी बोलते हैं, कुछ ड्रेसिना महात्मा की हैं, कुछ स्नेक प्लांट की हैं, कुछ ये जट्रोफा की हैं, कुछ हेमिलिया की हैं, ये हेमिलिया की हैं, कुछ चांदनी की हैं, एक गुड़हल की कटिंग भी लगाई है मैंने। तो इसमें किसी में मैंने दालचीनी पाउडर, किसी में रूटिंग हार्मोन लगाकर मैंने इसमें लगाई है और अब इन्हें 10-12 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसमें रूट्स निकलती हैं। अब बहुत अच्छे से रूट डेवलप होंगी क्योंकि हमने रेत में लगाई हैं। तो फ्रेंड्स एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन प्लांट इसको हम शेड में ऐसे ही रख देंगे, शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है 10-12 दिन के लिए। और अगर रेनी सीजन नहीं है, कोई और सीजन है, मानसून नहीं है, तो मैंने आपको बताया था वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगानी है। पिन्नी के अंदर या तो पिन्नी से इसे कवर कर दीजिए, जो पॉली बैग होता है उससे आप कवर कर दीजिए, पॉली बैग से कवर करके इसे बांध दीजिए, या फिर नीचे इसे किसी पॉली बैग में रख के ऊपर से गांठ मार दीजिए। तो ये मैं किसी दिन और दिन आपको लगाकर बताऊंगी जब रेनी सीजन नहीं होगा कि किस तरीके से हम इसको बिना किसी और सीजन में, क्योंकि इससे उससे क्या होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। अभी रेनी सीजन है तो वो कटिंग बहुत आसानी से चली लग जाती है, तो ये कटिंग लगाने का बहुत ईजी सरल और अच्छा तरीका है। तो आप भी अपनी कटिंग लगाइए, कहीं से कटिंग ले आइए, किसी फ्रेंड से पार्क में से कटिंग ले आइए और उन्हें लगाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड विजिट अगेन गुंजन्स बगीचा। ओके फ्रेंड्स, बाय।